मेरी फेवरेट पहाड़ी डिश हिमाचल हाँ? है बट फिर भी इट्स कॉल्ड सिड्डू बहुत सही होती है और वो पहाड़ी घी के साथ खाते हैं और पहाड़ी घी mm, बहुत मोटी होती बहुत है बहुत अच्छी होती है uh, मेरी तो बहुत सारी फेवरेट डिश फेवरेट डिश क्या है आप मेरी आई लाइक like गढ़वाली खाना लॉट पहाड़ी खाना मतलब um, चैसू भात चैसू इज मेड आउट ऑफ ब्लैक दाल को ग्राइंड करके उससे बनता है एंड यू हैव राइस विद इट एंड यू पुट घी

अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग hmm. आपने कल शादी कर ली ओ, oh, हाँ. तो आप पहले हाँ. अपने हस्बैंड को क्या खिलाओगे क्या खिलाऊंगी मे बी नूडल्स नूडल्स दो मिनट वाले या कोई भी? नहीं नहीं प्रॉपर आई लव हाका नूडल्स हाका, नूडल. हाका नूडल मैं मैं बटर पनीर खिलाऊंगा बटर पनीर हाँ, और पराठे मुझसे सब मतलब ग्रेवी वाला कुछ ज्यादा नहीं बन पाता है

कहा रहता था यहीं पर हाँ मेरी एक मॉडलिंग uh, एजेंसी थी uh,

एक तरीके से फ्रीडम शायद निकल गई है क्योंकि मुझे पता है मैं एयरपोर्ट्स पे बहुत टाइम पास करती थी यार जाती थी कभी बुक स्टोर में कभी कैफ़े में कुछ ना कुछ नाउ आई कैन डू दैट विच इज़ अगेन ग्रेट बिकॉज यू प्रेड फॉर यू नो समथिंग लाइक दिस टू हैपन बट देन जब सच में हो रहा होता है ना देन यू रियलाइज अच्छा उस टाइम yeah. पर जो सोचा था होगा एक्जैक्टली exactly वैसा नहीं है uh, बहुत मेरे गोलगप्पे खाने में रोज पहुंच जाती थी <laughs> अब एल्को <laughs> राम शाम okay. अब मुंबई में फेवरेट रेस्टोरेंट्स क्या होते थे hmm. और अब क्या है मुझे रेस्टोरेंट जाने का उतना शौक नहीं है okay. मुझे स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद है okay. तो वुड गो टू काटो रोड पे है ना रोल्स मिलते हैं मोमोज एंड देयर शॉर्मा तो नहीं बट डोसा मिलता है वहाँ पर मैं पराठे वाली एक शॉप थी उधर पराठे खाते थे बटर नान एंड दाल एक फूड रिकमेंडेशन दिस इज वन ऑफ फेवरेट इन मुंबई बट अनहेल्दी बट लेजेंडरी है मुंबई में ठीक है और मैंने देश भर में कुलचे खाए hmm. मेरी फैमिली अमृतसर से है तो कुलचा इज वेरी आई नो गुड कुलचा फ्रॉम बैड कुलचा चेंबूर में एक जगह है बहुत पुरानी जगह इट्स कॉल्ड विग वी आई जी और hmm. वो मेरे ख्याल से स्विगी पर थ्रू आउट मुंबई डिलीवर करते हैं

तिकी, राम राम <laughs> लड़ू। लड़ू। में इंट्रोड्यूस हुए है। हाँ। हाँ। तो वो उनके फेवरेट है तो, shop, कोने में जो तो उसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ